हाँ, तो मेरे बहुत सारे छोटे बड़े भाई बहन डिमांड कर रहे थे कि भैया यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, ये वाला चैप्टर समझ में ही नहीं आता, यानी द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाला चैप्टर हमारे यहाँ से निकल जा रहा है। तो तुम्हारा भैया है ना, तुमने नाइन्थ में अगर जीरो पढ़ा है कोई बात नहीं है, और मुझे मालूम है तुमने पढ़ा भी होगा, कुछ नहीं पढ़ा होगा, है ना। तो नाइन्थ में जीरो पढ़ा है तो अगले कुछ मिनटों तक देख लो, तुम्हारे एक भी मिनट एक भी सेकंड बर्बाद नहीं जाएंगे, ये गारंटी है पूरी, और तुम इस चैप्टर से फुल मार्क्स लेकर आओगे। और ये चैप्टर इतना अहम है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तुमको समझना पड़ेगा राष्ट्रवाद क्या है, यानी नेशनलिज्म क्या है। तो मेरे अनुसार अगर समझो कि नेशनलिज्म का सीधा सा मतलब है कि अपने देश के प्रति मर मिटने वाली भावना, अपने देश के प्रति निष्ठा हो, अपने देश के हित के लिए जब हम कार्य कर रहे होते हैं तो वही हमारा राष्ट्रवाद हो जाता है। लेकिन ये फीलिंग पहले नहीं थी, अभी हमारे अंदर है, क्योंकि हमारे झंडे को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है, पैरों तले दाबता है, तो हम उसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। लेकिन पहले ये भावना नहीं हुआ करती थी। क्यों नहीं हुआ करती थी? क्योंकि अभी हमारे देश में केवल एक प्रधानमंत्री है, लेकिन पहले हमारे देश में हजारों राजा हुआ करते थे, राजा रजवाड़ों का राज था। ये हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लागू होता है, क्योंकि फ्रांस की क्रांति से ही राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। तो विदेश में जाएंगे पहले, तभी तो भारत को समझेंगे। तो देखो, जब वहां पर क्या हुआ कि राजा रजवाड़े हुआ करते थे, छोटे छोटे रियासतों में सभी देश बंटे हुआ करते थे, तो उसमें क्या होता था कि एक बहुत शक्तिशाली राजा हुआ करते थे, कुछ कम शक्तिशाली होते थे, और उसमें मतलब गवर्न करते थे वो लोग, मतलब उसमें रूल अपना चलाते थे, अपने मनमानी करते थे, कुछ भी कर रहे हैं, राजा हैं भाई, कुछ भी करेंगे। तो ये होता था। तो वहां पर जब ये होता था तो लोग इसके खिलाफ आवाज उठाना प्रारंभ कर दिए, और वहीं से ये भावना जागृत होती है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्यों? क्योंकि जब राजा रजवाड़े, जैसे एक जनता मान लो है, कोई मान लो मैं हूं, कोई दूसरा राजा अभी मेरे ऊपर रूल कर रहा है, लेकिन क्या जो राजा वो कमजोर है, और कोई दूसरा राजा अगर जीत लेता है तो मेरे ऊपर दूसरा राजा फिर गवर्न करने लगेगा वो अपने तरीके से। तो इस तरीके से ये होता था पहले, है ना। तो ये मतलब एक आइडेंटिटी नहीं थी कि हम इस देश के निवासी हैं। अभी हमारे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, हमको मालूम है कि हम इस देश के निवासी हैं, ठीक है, हमें नागरिकता मिली हुई है, लेकिन पहले ये नहीं होता था। कुछ सबूत नहीं है कहाँ के निवासी हो आप, कोई राजा आ रहा है तुम्हारे ऊपर रूल करके जा रहा है, तुम्हारे ऊपर अत्याचार करके जा रहा है, तो ये होता था। तो वहीं से मतलब उदय होता है राष्ट्रवाद का, मतलब लोग उसका विरोध करने लगे। तो सबसे पहले समझो कि देखो, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति में क्या हुआ, इसको समझ लोगे तो राष्ट्रवाद बहुत ही आसान हो जाएगा, और जो नेपोलियन बोनापार्ट की जो कोड है, यानी संहिता है, वो भी समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो फ्रांस की क्रांति में क्या हुआ कि पुराने राजशाही आदेशों पर सवाल उठाए और लोकप्रिय राष्ट्रवाद के विकास को प्रोत्साहन मिला। जब फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, और वहीं से राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ कहां से हुआ था, तो आप बता देना 1789 ईस्वी में फ्रांस से, ठीक है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है ये वाला। तो ये ठीक है, मतलब जब पुराने राजा रजवाड़ों में देश बटा हुआ करता था, तो वहां पर पुराने राजशाही आदेशों पर सवाल उठाने लोग प्रारंभ कर दिए कि भाई हमारे ऊपर आप इस तरीके से रूल क्यों कर रहे हो, कोई दूसरे लोगों के लिए रूल दूसरा है, कोई दूसरे लोगों के लिए रूल दूसरा है, तो ये हुआ करता था, ठीक है। जैसे अभी हमारे यहाँ, हमारे देश में कुछ रूल दूसरे हैं और विदेशों में दूसरे, तो एक ही देश कई विदेशों में टूटा हुआ करता था, आप ये समझ लो। तो यहाँ पर हुआ कि भाई लोकप्रिय राष्ट्रवाद के विकास को प्रोत्साहन मिला। क्यों? क्योंकि राजाओं के ऊपर लोग सवाल उठाना प्रारंभ कर दिए और अपने मतलब एक यूनिटी लोग बना लिए कि हमारे ऊपर ये अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए हम इनका विरोध करेंगे। उसके बाद आता है कि न्यू फ्रेंच फ्लैग आया। न्यू फ्रेंच फ्लैग का मतलब है कि भाई फ्रांस का नया झंडा एक बनाने की मांग उठने लगी लोगों के द्वारा कि भाई जो फ्रांस है उसका पूरा झंडा कम से कम एक हो, वरना सभी राजाओं के अलग अलग झंडे हुआ करते थे, लोगों के अंदर वो फीलिंग नहीं आती थी कि किस देश में रह रहे हैं और कहाँ रह रहे हैं, बस जिए जा रहे हैं, तो ये हुआ करता था। इसलिए नए फ्रेंच फ्लैग की मतलब मांग बढ़ने लगी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, देखो, सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की मांग उठने लगी। भाई वहाँ मैंने अभी बताया कि पहले हुआ करता था कि भाई अगर तुम उत्तर प्रदेश में रह रहे हो तो यहाँ दूसरा रूल लागू होगा, और तुम अगर मध्य प्रदेश में रह रहे हो दूसरा रूल लागू होगा, और अगर तुम मुंबई में रह रहे हो तो दूसरा रूल लागू होगा। ये गलत है ना भाई कि एक देश में एक ही नियम हो। जितना कर वसूल किया जा रहा है, जितना मतलब अभी GST दे रहे हो, अगर तुम ही सोचो हमसे 50% ले और मुंबई में 10% ले, तो हम विरोध उसका नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो
अभी मतलब हर जगह सेम जीएसटी है, सेम टैक्स है, यानी कर है ना, लेकिन पहले ये नहीं हुआ करता था। अलग अलग राजा रजवाड़े अलग अलग कर लगाया करते थे अलग अलग क्षेत्र के लोगों के प्रति। अरे यार, यहाँ तक कि प्रदेश में नहीं बल्कि गांव-गांव में अलग अलग टैक्स लगते थे कि इस गांव में अलग टैक्स लगेगा, वहाँ पर अलग लगेगा। अगर जैसे मेरा कोई करीबी रह रहा तो वहाँ पर कम लगेगा, वहाँ पर ज़्यादा, ऐसे अत्याचार होते थे। तो ये हुआ करता था। सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बना। फिर उसके बाद केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली की शुरुआत हुई। केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली का मतलब है, अंग्रेजी में समझ लो कि सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। केंद्रीकृत प्रणाली का मतलब है भाई, अभी हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे मोदी जी उसके मालिक समझ लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो काम करती है ना, तो ये होता है। तो उसकी मांग उठने लगी, मतलब एक मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत यहीं से हुई थी राष्ट्रवाद की। उसके बाद हुआ कि भाई यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। अब समझो इसमें भी भाई, मतलब नाप तौल की एक समान प्रणाली हो ना भाई, एक बिल्कुल सेम सिमिलर हो। पहले क्या हुआ करता था, मान लो मैं यहाँ से एक किलो आलू लेने गया, एक किलो आलू लिया, लेकिन वही एक किलो आलू अगर दूसरे गांव में जा रहा हूँ तो वहां पर दूसरा तौल मिलता था। मान लो यहाँ 1000 ग्राम लेके गया तो वहां एक किलो को 500 ग्राम ही बोलेंगे। अलग अलग नाप तौल की प्रणाली चलती थी, तो इससे लोगों को बहुत कठिनाई होती थी। अभी हम देश में कहीं चले जाए, एक किलो मांगे तो हमको एक किलो मिलेगा, लेकिन तुम ही समझो अगर हम यहाँ पर एक किलो मांग रहे हैं लेकिन वहां पर कैसे मांगेंगे, वहां का मात्रक हमें कैसे पता होगा। तो व्यापारियों को भी दिक्कत होती थी और जो वहां पर लोग रहते थे उनको भी बहुत दिक्कत होती थी। तो लोग क्या किए कि भाई यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट की मांग करने लगे, यानी एक समान नाप तौल की प्रणाली लागू हो, इसकी मांग करने लगे। भाई दिक्कत होती थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, यानी राष्ट्रीय संसद भवन का निर्माण करने के लिए लोग मांग करने लगे कि भाई एक संसद भवन हो जहाँ से उस देश के लिए मतलब कुछ कानून बने ना भाई, यानी एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन की मांग होने लगी, संविधान की मांग होने लगी, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद क्षेत्रीय बोलियों को निराश किया गया और फ्रांसीसी प्रमोट, मतलब इसका मतलब है जो क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है उसको मतलब निराश किया गया, उसकी मतलब वरीयता कम दी गई, और जो फ्रांस की भाषा उसको यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया गया, समझ रहे हो। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस के जो हम सैनिक थे पहले और फिर राजा बने, तो उनका जो नेपोलियन कोड है, नेपोलियन संहिता, उसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो उसको समझना भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको ऊपर ऊपर समझा दे रहा हूँ, बाकी अगली वीडियो में समझ जाओगे, तो इतना तो तुम समझ गए होंगे। और नेपोलियन की जो संहिता है वो इन्हीं यही काम की है, जो मांग उठी थी यही काम की है। तो नेपोलियन संहिता भी आप लिख सकते हो अगर नेपोलियन संहिता पूछे तो इसको, कि भाई सेम सिस्टम हुआ वेट एंड मेजरमेंट का, असेंबली की यहाँ पर शुरुआत हुई, ठीक है। तो यहाँ पर भाई उसी सी बस, जो फ्रांस का बोनापार्ट था, राजा बोल लो या चांसलर बोल लो, तो वहाँ पर क्या हुआ कि फ्रांस के जो राजा थे बोनापार्ट, वो फिर पूरे यूरोप में को जीतना चाहते थे एक प्रकार से, पूरे यूरोप में वो राष्ट्रवाद फैला दिए, और उसके बाद ही फिर रिवॉल्यूशन होता है कि भाई बोनापार्ट को हारना पड़ा एक जगह, नेपोलियन बोनापार्ट को। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अत्याचार करने लगे। भाई कोई भी है, अगर मैं अपने देश से बाहर अगर रूल करूंगा तो मेरी जो इमोशन है, भावना है, वो अपने देश के लिए ही रहेंगी, बाहर के लिए तो नहीं रहेंगी। तो वहाँ पर उन्होंने कर बढ़ा दिए अपने देश के लिए कि भाई हमारे देश में ज़्यादा पैसा आए, हम ज़्यादा, हमारे देश की जनता खुशहाल रहे, तो इस तरीके से। तो वहाँ पर भी उनकी मतलब फिर पराजय हो गई, जो लोग वेलकम किए उनका विरोध करने लगे। तो ऊपर ऊपर तुमने समझ लिया। तो आज मैंने आपको समझा दिया कि फ्रांस की क्रांति कैसे हुई, इतने टॉपिक है जिनको आप समझ लोगे तो तुमको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। जो मॉडर्न है ना उसके बारे में सोच लो, इसको याद करने की जरूरत नहीं है कि भाई वहाँ पर पहले राजा रजवाड़े थे, कोई संसद भवन ही नहीं थी तो उसकी मांग करने लगे लोग, अलग अलग नाप तौल की प्रणालियाँ थी तो उसकी एक करने की मांग करने लगे लोग। तो ये याद करने वाली चीज़ें नहीं है, आराम से याद हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, कुछ मिनट जरूर लिए हूँ समझाने के लिए, लेकिन समझ गए हो। तो तब तक के लिए जय हिंद।